स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हुआ था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। आज जो लेक्चर है, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के अलांग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देख ले तो फिर आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। ये बात नहीं है कि यहाँ पे समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी फिर मुश्किलात ज़रूर होगी। तो इस लेक्चर को समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर मीन्स के वो आपने लाजमी देखना है ताकि आपको उसकी समझ आ जाए, फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस या कोई भी एरिया जो कि हमारे पास फ्लैट सरफेस था। उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के बराबर होता है, या हम यू लिखते हैं ई ए इन टू कॉस थीटा। लेकिन दिस फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस के लिए हमारे पास क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है, नॉट फॉर क्लोज सरफेस। तो अब देखिए, क्लोज सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फार्मूले को डिराइव करते हैं और इसी फ्लैट सरफेस के फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, हमने एक क्लोज सरफेस का फार्मूला हमने क्या करना है, डिराइव करना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग डिराइव करते हैं, किस तरह डिराइव करते हैं। अब लेट सपोज आप एक क्लोज सरफेस आप कंसीडर करें, आपके पास अगर एक स्फीयर आप कंसीडर करें जिस तरह एक फुटबॉल नुमा होता है, तो उसी स्फीयर के सेंटर पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज हम रखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सेंटर पर हमारे पास क्या चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से क्या होती है, इस सरफेस पे, इस सरफेस में से यहाँ पर क्या होती है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में निकलती है। लेकिन पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो किसी एक फ्लैट सरफेस में से पास हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि एक क्लोज सरफेस है तो इस क्लोज सरफेस के लिए हम ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, उस पूरे क्लोज सरफेस जो स्फीयर फॉर्म, जो हमने स्फीयर को कंसीडर किया है, लेट सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर को जब हमने कंसीडर किया है तो इस स्फीयर को हम क्या करते हैं, हम इसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जिस तरह आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के अंदर से हल होता है, अब उसके ऊपर ऑलरेडी पोर्शन बने होते हैं, तो जब पोर्शन बने होते इसी तरह हम छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पेचेस बनाते हैं। तो उन स्मॉल स्मॉल पेचेस का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पर अब देखिए, ये मेरे पास एक मैं पेच बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक छोटा सा पेच है, ठीक है, ये मैं पेच बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस पेच के अलांग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है और इस पेच में से पास होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है, लेकिन अगर आप इस अब देखिए पूरे सरफेस का अगर आप एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो वो जो छोटा सा पोर्शन होगा वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए हम इसको पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल पेचेस, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से पोर्शन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड अप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया वेक्टर, अब देखिए एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों हमारे पास क्या होंगे, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ पर हम डेल्टा ए लिखते हैं क्योंकि पूरे एरिया का एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर डेल्टा ए। इसी तरह इसी के साथ मैं एक और मैं स्मॉल सा पेज बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो स्मॉल सा पेज मैं बना रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसी पेज के अलांग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है यहाँ से जाती है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन ये जो छोटा सा पोर्शन, अब देखिए पूरे करो पाथ का, पूरे स्फीयर का जो सर्कुलर पाथ है उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, तो वो जो छोटा सा पोर्शन होगा वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आएगा, वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो एलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल सरफेस के एलॉन्ग डायरेक्शन होती है।
तो यहाँ पर भी डेल्टा ए होगा। तो डेल्टा ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना है, वो पैर भी हमारे पास दोनों पैरेलल है, एंगल ज़ीरो बनते हैं। इसी तरह पूरे पोर्शन को हम स्मॉल स्मॉल पेचेज में, छोटे छोटे से पोर्शन में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड अप करते हैं। हम सारे पेचेस तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ पेचेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर, लेट सपोज ये पेच नंबर, इसका इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है और यहाँ से पास होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये हमारे पास डेल्टा ए है। इसी तरह हम यहाँ पर एक और पेच बनाते हैं, तो ये जो पेच है, अब देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है, यहाँ से पास होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस छोटे से पोर्शन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये डेल्टा ए एरिया का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्लोज सरफेस को इसी तरह स्मॉल स्मॉल पेचेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस स्मॉल स्मॉल पेचेस का फ़ायदा ये होगा कि हर एक पेच जो है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और जब फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो फिर तब जाके हम इस फार्मूला को इस पेच के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम इस पेच के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते, हर एक पेच के लिए हम इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इस फार्मूले की मदद से हर एक पोर्शन का जो एयर फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और आखिर में जाके हर एक पोर्शन, हर एक पेज के एलांग जितना फ्लक्स होता है, हम सारा फ्लक्स को क्या करते हैं, एडअप करते हैं, हमारे पास क्या आता है, टोटल फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट सपोज़ ये हमारे पास ये इसका एरिया डेल्टा ए वन है, इसका एरिया डेल्टा ए टू है, इसका डेल्टा ए थ्री है, इसी तरह अप टू सो ऑन। आखिर में हमारे पास एक आखिरी पेज होगा, वो हमारे पास 20 नंबर पे हो सकता है, 30 पेचेस भी हो सकते हैं, 100 पेचेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तादाद मालूम ना हो तो फिर हम सिंपल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, डेल्टा ए एन होगा। लेकिन अब देखें, चूँकि स्फीयर है, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, ई वन होगी, यहाँ पर ई टू होगी, यहाँ पर ई थ्री, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ई एन होगा। अब हम क्या करते हैं, हर एक पोर्शन, हर एक पेज के एलांग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं फिर हर एक पेज का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एड अप करके हमारे पास पूरे क्लोज सरफेस का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो थ्रू एनी क्लोज सरफेस हो, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा ए वन हमारे पास फाई वन होगा, इसी तरह प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा ए थ्री, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा ए थ्री, वो हमारे पास क्या होगा, फाई थ्री होगा। इसी तरह आप चलते जाए एरिया ए फोर पे, एरिया ए फाइव, सिक्स, सेवन, आखिर में जाके लास्ट पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ए एन होगा। तो हम यूँ लिखते कि यहाँ पर आप चलते जाओ, आखिर में जो लास्ट पे होगा वो हमारे पास फ्लक्स फ्लक्स थ्रू डेल्टा ए एन पे कितना होगा, ठीक है। चूँकि हर एक पेज जो है, हर एक स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करता है, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस पेज के एलांग फ्लक्स कितना होगा, वो हमारे पास ई वन, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ई वन, और यहाँ पर डॉट हो, और यहाँ पर डेल्टा ए वन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके एलांग एरिया ए टू के एलांग फ्लक्स कितना होगा, वो हमारे पास कितना होगा, ई टू, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा ए टू। फिर इसके अलावा फ्लक्स थ्रू डेल्टा ए थ्री के एलांग कितना होगा, वो हमारे पास ई थ्री डॉट हो, डेल्टा ए थ्री। इसी तरह आप चलते जाए आखिर में जाके जो लास्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, जो एरिया है डेल्टा ए एन ओ, उसके एलांग फ्लक्स कितना होगा, वो हमारे पास होगा ई एन ओ एन टू डॉट और डेल्टा ए एन ओ, डेल्टा ए एन ओ। अब डॉट को जब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आता है, कॉस फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ई वन डॉट को ख़त्म करें, डेल्टा ए वन एन टू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास ई टू एन टू डेल्टा ए टू एन टू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास ई थ्री एन टू डेल्टा ए थ्री एन टू कॉस थीटा प्लस अप टू सो ऑन। आप चलते जाए और आखिर में
आपके पास उसका कितना होगा en, और ये डेल्टा an n to cos थीटा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर e1 n to delta a1, अब देखिए e1 और डेल्टा a1 इनके दरमियान दोनों पैरेलल है, एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो हम यू लिख सकते हैं कि cos 0 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास e2 और इसी तरह डेल्टा ए टू, लेकिन ई टू और डेल्टा ए टू बोथ आर पैरेलल, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा कास जीरो डिग्री। और फिर ई थ्री एन टू डेल्टा ई थ्री, और यहाँ पर एंगल कितना होगा वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा, प्लस अप टू सो ऑन आप चलते जाए, आखिर में आपके पास इसके यहाँ पर ई एन डेल्टा ए एन, और यहाँ पर भी आपके पास एंगल कितना होगा ज़ीरो होगा। अब देखिए ई एन और डेल्टा ए एन बोथ आर पैरेलल, इनके दरमियान एंगल कितना है वो हमारे पास जीरो डिग्री है, तो ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि आपको पता है cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है e1 n to delta a1 आ जाएगा। यहाँ पर cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो e2 n to delta a2, प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें e3 n to delta a3, प्लस अप टू सो ऑन आप आखिर में हमारे पास क्या होगा ई एन एन टू डेल्टा ए एन और कास जीरो इज इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि चूंकि हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है चार्ज बॉडी को, चार्ज को हमने क्या किया एक स्फीयर के सेंटर पे रखा है, तो जब सेंटर पे रखा है अब देखिए ये हमारे पास एक स्फीयर है जिस तरह फुटबॉल होता है, उसके सेंटर पर अगर आप चार्ज रख लें तो उसके सर्फेस के ऊपर जितने भी पोर्शन बनते हैं उस पोर्शन चूँकि सेम इको डिस्टेंस पे पड़े हैं, और जब इको डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे हर एक एरिया हर एक सरफेस के एलांग हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी वो हमारे पास सेम होगी। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ई वन विल बी इक्वल टू ई टू विल बी इक्वल टू ई थ्री विल बी इक्वल टू आप चलते जाए ये सारे हमारे पास क्या हो ई एन, और ये सब इन सब को हम सिर्फ e के बराबर लिखते हैं कि e1 भी e के बराबर होगा, e2 भी e के बराबर होगा, e3 भी e के बराबर होगा, e4 भी e के बराबर होगा, आप चलते जाए आखिर में en भी हमारे पास क्या होगा e के बराबर होगा। तो यहाँ पे जाके हम पुट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा e1 एन टू डेल्टा ए1। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर e1 की जगह आप सिर्फ e लिख लें, तो यहाँ पर आप e लिख लें तो ये आपके पास डेल्टा ए टू, और यहाँ पर आप ई लिख लें तो ये डेल्टा ए थ्री, और यहाँ पर आप ई लिख लें तो आप चले जाए यहाँ पे आखिर में डैशेस फिर आगे जाके ई एन किसके बराबर है ई के बराबर, और ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा ए एन होगा। अब इन सब से क्या करें आप ई को कामन करें, ई कामन करने के बाद डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन आखिर में हमारे पास क्या आएगा डेल्टा ए एन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेल्टा ए वन है प्लस डेल्टा ए टू है प्लस डेल्टा ए थ्री है, तो अब देखिए इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अब सारे पिचेस का जब आप एरिया एड अप करते हैं एन तक तो ये पूरे क्लोज सरफेस का एरिया आता है, तो जब पूरे क्लोज सरफेस का एरिया आता है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते कि यहाँ पर जो ई है ई एन टू ये हमारे पास क्या पूरे क्लोज सरफेस का एरिया है, तो पूरे क्लोज सरफेस एरिया है, और ये जो क्लोज सरफेस है ये कौन सा सरफेस है ये हमारे पास स्फीयर है, तो हम यू भी लिख सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यू बराबर होगा, यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू, या आप इसको पूरे क्लोज सरफेस का एरिया है तो हम इसको यू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू वन से लेकर n तक, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा ए आई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि पूरा जो सरफेस है हर एक पेज का जो एरिया है वो हम क्या करते हैं एड अप करते हैं, और जब एड अप करते हैं तो उसको हम सिंपल इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये I इज इक्वल टू वन से लेकर n तक, I अगर वन है तो ये डेल्टा ए वन होगा, अगर I टू पुट कर ले तो डेल्टा ए टू होगा, अगर आप थ्री पुट कर लें तो डेल्टा ए थ्री होगा, अगर आप आई एन पुट कर लें तो डेल्टा ए एन होगा। इसका मतलब कि आई वन से लेकर एन तक आप क्या करें आप पूरे
पेचेस को आप क्या करें, आप सम कर रहे हैं। तो जब पूरे पेचेस को आप सम करेंगे तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस कौन सा सरफेस है, वो सरफेस जो है वो हमारे पास कौन सा क्लोज सरफेस है, वो स्फीयर है। और स्फीयर जो पूरे क्लोज सरफेस का जो एरिया होगा एक स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया किसके बराबर होगा, वो हमारे पास 4πr² के बराबर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है 1/4πε0 क्यों डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर 4πr² के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 4π और 4π ये क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा, 4π ये 4π कैंसल, और ये हमारे पास क्या r² है, ये r² और ये r² कैंसल, आपके पास क्या आ गया, क्यों डिवाइडेड बाई ε0, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया, एक रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया। तो ये वो फार्मूला है जो कि हम क्लोज सरफेस के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसी फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि द क्लोज सरफेस पे अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। नंबर वन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मींस के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन में आपको चार्ज गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो इक्वेशन में एक टर्म यूज़ किया है ε0 इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, हाँ वो क्यूबिक हो, वाह हो रेक्टेंगुलर हो, हाँ वो इरेगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है और वहाँ पर मीडियम कौन सा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इन क्लोज सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन ए से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी क्लोज सरफेस में से अमूमन तौर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो भी हो सकते हैं। वो अब हम देखते हैं कि वो हम किस तरह यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अमूमन तौर पे जब भी कोई क्लोज सरफेस है, अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पर हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो किस तरह हो सकती है, अगर हम लेट सपोज ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और इसी क्लोज सरफेस में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर है, तो फिर तब जाके वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो फ्लक्स होगा। कौन सा फ्लक्स होगा, ज़ीरो फ्लक्स होगा। ज़ीरो फ्लक्स क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड जाती है। इसका मतलब ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसल करेगा और नेट इफेक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, अगर ये इक्वल है तो फिर तब जाके हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स विल बी ज़ीरो, फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये तब होता है जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड द सरफेस, उसी केस में हमारे पास क्या होगा, उसी केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा। केस नंबर टू में अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, इसी क्लोज सरफेस में आपके पास
पॉजिटिव चार्जेस है, इसके अलावा नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन तादाद किसकी ज़्यादा है? पॉजिटिव चार्जेस की ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, इस चार्ज की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती है, तो हम यूँ कहते हैं कि ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है, इनवर्ड आती है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ये भी एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है तो इनकी कैंसिलेशन नहीं होती। तो हम यूँ कहते हैं कि इफ़ द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सर्फेस, देन द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास कोई भी सर्फेस हो, किसी भी सरफेस में अगर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, या आप क्यों कहते हैं इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, देन द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स ये तब होता है जब हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होती है एक क्लोज सरफेस में एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्जेस के नस्बत। इसके अलावा केस नंबर थ्री में हमारे पास क्या है, केस नंबर थ्री में हमारे पास फ्लक्स विल बी नेगेटिव। फ्लक्स तब नेगेटिव होगा जब हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब उसी केस में इन दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, और इन दो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती है, ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। लेकिन जो नेट इफेक्ट होगा वो इन तीन नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा जो कि इनवर्ड की तरफ आती है। इसका मतलब ये हुआ इफ़ द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सर्फेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। या आप यूँ कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सर्फेस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सर्फेस। लीविंग द सर्फेस से अगर ये एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो उसी केस में देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो ये थे हमारे पास तीन केसेस क्लोज सरफेस के लिए। फ्लैट सरफेस में हमारे पास दो केसेस थे, एक हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम था, और जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में हम तीन केसेस डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स है, और नेगेटिव फ्लक्स है। उम्मीद है मेरी लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई या मेरे लेक्चर आपको समझ में आ गई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर आप इसका आप इसको क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कर लें, और साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स क्या करें। कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो इंशाल्लाह आपको हर एक सवाल का जवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बंडल ऑफ थैंक्स।